महिला अध्यक्ष राजेश जी, उत्तर पश्चिम से देवेंद्र सोलंकी जी, श्याम शर्मा जी, जो कार्यकर्ता प्रदीप जी पीछे बैठिए, पीछे चलिए, नाम लेकर के नहीं बोलना पड़े इसका ध्यान रखें। सिर्फ यहाँ पे मीडिया के भाई बहन ही रहेंगे, बात बाकी कोई कार्यकर्ता अपने खड़े नहीं रहेंगे। कृपया कुर्सियों पर जाकर के बैठे। आपसे बार बार आग्रह करने के बाद भी बोल रहे मन से, ये इंजीनियरिंग सेल वाले हैं अपने कार्यकर्ता, उनसे निवेदन है कृपया कुर्सियों पर जाकर के बैठे। और जो सेल्फी ले रही बहने हैं उनसे निवेदन है कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप ये सेल्फी का कार्यक्रम जारी रखें, लेकिन अभी अपने स्थान पर जाकर के बैठे। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा करावल नगर से विधायक भाई मोहन सिंह बिष्ट जी को। उससे पहले एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, पीछे से आवाज नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल शरम करो, केजरीवाल शरम करो। दोनों हाथ उठा करके सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मांगना है, सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करो, सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करो। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। मैं आमंत्रित करता हूं भाई मोहन सिंह जो गाए और दो मिनट में अपनी बात रखे, भाई मोहन सिंह बिष्ट जी। सम्मान के योग्य आज के इस धरने के आयोजक और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, हम सब लोगों के चिर परिचित और अपने परिवार के मित्र आदरणीय आदेश जी, हमारे इस मंच में दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भाई रामवीर बिदुड़ी की, केजरीवाल साहब कहते थे मैंने दिल्ली से भ्रष्टाचार मुक्त करा दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं केजरीवाल साहब, आपकी बराबर की सीट में बैठा हुआ व्यक्ति वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है जिसको सरकारी विभागों द्वारा, चाहे वो ईडी का हो, इनकम टैक्स का हो, अन्य विभागों का हो, यदि उसको सर्टिफिकेट मिल गया तो उसको हटाने पे क्या आपकी ऐसी मजबूरी है कि आप उसको हटाना नहीं चाहते हैं? यही नहीं मित्रों, यदि हम के सत्येंद्र जैन के बारे में देखें, यदि दिल्ली का बेड़ा गर्क, चाहे वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे विकास बोर्ड से हो, यदि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी दिल्ली के अंदर है तो वो सत्येंद्र जैन है। और आप सब लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि विधानसभा के अंदर हमारे साथ, विधायकों के साथ, बीजेपी के लोगों के साथ
के प्रोनियों के अंदर विकास की बात आती है, उनके शत्रु के अंदर विकास की बातें आती हैं, तो वहां विकास नहीं करने दिया जाता है। यही नहीं मित्रों, विधानसभा यदि हम प्रश्न पूछते हैं सरकार से उसके नाकाम न करने की वजह जानते हैं तो हमको बोलने नहीं देता है। केजरीवाल साहब कब तक इशारे से हमको रोकने का प्रयास करोगे? हम जनता की अदालत में जाकर के आपके एक एक भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे और जो मंत्री इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको जब तक आप अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता नहीं दिखाओगे ना तो हम खुद चैन से बैठेंगे ना आपको चैन से नहीं रहने देंगे, ये हम कहना चाहते हैं। आज इस प्रकार का दिल्ली की हालत यदि हम जल बोर्ड के अंदर देखें, पूरे जल बोर्ड का पानी किस प्रकार का पानी आ रहा है। मित्रों यही नहीं, इनका 2015 के अंदर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से करार हुआ था। करार में ये था कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उत्तराखंड से आने वाला पानी 100 MGD दिल्ली को देगा और उसके एवज में दिल्ली को गंदा पानी टीट करके खेतों के लिए सिंचाई के लिए देना होगा। लेकिन मित्रों दुर्भाग्य है कि वो करार को आज तक की इन्होंने रोक के रखा। दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने के लिए इस सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला किया। यही नहीं, प्रत्येक जगह पे UGR में गंदा पानी टीट करके आज पानी दे दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसे भ्रष्ट मंत्री की वजह से पीलिया और डायरिया जैसी बीमारी, इसको दोबारा से दिल्ली के अंदर बीमारी का घर बनाने का काम इस सत्येंद्र जैन के माध्यम से किया। मित्रों ये भी सत्य है, जिसने पानी के को देख करके लोग तो पानी के प्याऊ लगाते हैं, जिसने पानी के नाम से घोटाला किया हो ऐसा मंत्री सत्येंद्र जैन, उसको पता नहीं क्यों भ्रष्टाचार से दिल्ली से उसे बर्खास्त नहीं कर रहे। ये केजरीवाल साहब बताएं, ये आपकी मजबूरी क्या है, क्यों नहीं सत्येंद्र जैन को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? वो इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है, वो आपका पैसा कमाने का एक जरिया वाला मंत्री है। मित्रों यही नहीं, यदि हम अनऑथराइज कॉलोनी के बजट की बात करते हैं तो अनऑथराइज कॉलोनी में भी हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। अन्याय क्या किया जा रहा है? बीजेपी के लोगों को बजट नहीं दिया जा रहा है, उस बजट को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। जहां आम पार्टी का विधायक हो उसको पैसा दिया जाता है, लेकिन बीजेपी वालों के बजट को कामों को रोका जाता है। एक नहीं अनेक योजनाओं को रोका जा रहा है। और आप में से अधिकतर लोग ये जानते हैं कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के सड़क योजना बनाई गई मुख्यमंत्री जी ने, यदि सड़क योजनाओं का पैसा है तो वहां भी केजरीवाल के माध्यम से बंदर पाठ सत्येंद्र मांझी के माध्यम से किया जा रहा है। आज बहुत से इस प्रकार की है, और यदि ईडी ने छापा मारा है, इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा है, दूसरे तीसरे डिपार्टमेंटों ने इनकी पोल खोली है, तो केंद्र में भाजपा की सरकार है वो जानबूझकर इनको परेशान कर रहे हैं, इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तीसरे मित्रों इस बात को लेकर के हमें जनता के बीच में जाना होगा और जनता में बताना होगा, दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार ये ईमानदारी का जो नकाब पहन करके घूम रहे ये वास्तव में भ्रष्टाचारी है। जब तक इनको सत्ता से बाहर नहीं उखाड़ेंगे
सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचारी मंत्री को बाहर का रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। हमारे बीच में सुशील अरोड़ा जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करूं। वाजपेयी जी और हमारे जम्मू कश्मीर के सहप्रभारी श्रीमान आशीष सूद जी, आदरणीय पवन शर्मा जी, रवि नेगी जी, मैं आमंत्रित करूं सुशील जी को। सोशल वर्कर है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो सत्येंद्र जैन पे अपनी बात रखेंगे। संक्षिप्त में एक बार आप सभी जोरदार नारा लगाएं, भारतीय जनता पार्टी। सुशील जी, मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप सब लोग धरना पे आए ना, सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आए ना, तो आप ये जो जगह यहाँ पर खड़े नहीं हो, सब लोग अनुशासन के साथ बैठ जाए यहाँ पे जहाँ जगह मिले। ये कोई मेला नहीं है, हमारे चेहरे पर आक्रोश होना चाहिए कि केजरीवाल सरकार के एक भ्रष्ट मंत्री जिसका खुलासा हुआ है उनकी बर्खास्तगी की मांग करने के लिए आए। इसलिए इसको संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ, कोई यहाँ सेल्फी, आपकी उपस्थिति अगर वहां से भी आप फोटो डालेंगे सोशल मीडिया पर, वहां से भी आपकी उपस्थिति दर्ज होगी। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जरूरी नहीं कि मंच पर आकर ही आपकी फोटो खींचेगी, आप वहां से डालेंगे वो फोटो भी उतनी महत्वपूर्ण होगी जितनी यहां पर होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमारे अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में से कोई भी दो कार्यकर्ता जो सत्येंद्र जैन और दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार की जानकारी देंगे, वो दो कार्यकर्ताओं को मैं आज इस कार्यक्रम में मंच पर जगह दूंगा, वो यहां बोलेंगे, माइक पर बोल सकते हैं भ्रष्टाचार की बोल। मैं सुनील यादव जी से कहूंगा कि वो दो कार्यकर्ताओं को चुनकर वो मंच पर जगह दे। आज एक सुशील अरोड़ा जो सोशल मीडिया पर लगातार केजरीवाल के खिलाफ तथ्यों के साथ जानकारी रखते हैं, मैंने उनको मौका दिया है, सुशील अरोड़ा जी भी बोलेंगे, आप ध्यान पूर्वक बात सुनिए। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं सत्य शिव सुंदर से प्रेरित भारतीय लोकतंत्र के इस मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों की। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सत्येंद्र जैन जी का नाम आया हो, इससे पहले भी भ्रष्टाचार से लेकर सत्येंद्र जैन जी का बहुत बार नाम आ चुका है, खाली सत्येंद्र जैन का ही क्यों, इससे पहले इनके प्रकाश जरावल मंत्री का नाम आया था कि किस तरह से वो वाटर टैंक माफियाओं के साथ लिप्त हैं। उसके बाद अभी हाल ही में एक खबर आई थी सामने जिसमें अरविंद केजरीवाल जी की पार्षद गीता रावत रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ी गई थी। तो ये मामला दोस्तों पहली बार का नहीं है कि सत्येंद्र जैन, लेकिन ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्दी करते हैं अपने मंत्रियों को क्लीन चिट देने के लिए। जैसे अभी पीछे इन्होंने अपने चढ़ेते ताहिर हुसैन को बहुत जल्दी कर दी, इन्होंने उनको क्लीन चिट देने के लिए, जब ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी बनाया गया और ताहिर हुसैन ने लिखित रूप में बयान दिया कि वह हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक दिल्ली की जनता से अपने इस आरोपी के कांड के लिए माफी नहीं मांगी है। इनके जो मंत्री हैं कभी कोई
अपनी बीवी को कुत्ते से पिटवाने के लिए पकड़ा जाता है, कभी किसी मंत्री पर आरोप लगता है कि वह दिल्ली के राशन कार्ड के नाम पर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप लग रहा है, किसी पर फर्जी डिग्री का आरोप है, कोई दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है, कोई रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के कान पर रूं क्यों नहीं रेंग रही है। ये दूसरे शहरों में जाकर कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार किसी को नहीं करने देंगे, अब मुझे समझ आ रहा है कि किसी को से इनका क्या मतलब है। किसी को से इनका मतलब यही है कि किसी दूसरे को नहीं करने देंगे, इसके लिए इनके अपनी पार्टी के नेता ही काफी हैं। इन्होंने दिल्ली में जिस तरह से घोटाले किए हैं, जैसे दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, बीटीसी बस का घोटाला, चंदा घोटाला, ऑक्सीजन चोरी का घोटाला, स्कूल कमरों के नाम पर घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक को इन्होंने मौत का क्लिनिक बना दिया, इन्होंने एक्सपायरी दवाई वहां पे लगा दी, उसमें भी घोटाला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घोटालों की सरकार है, इसको आप दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी और बहुत जल्दी ही आने वाले चुनावों में दिल्ली की जनता इनके कुकृत्य के लिए इनको इनाम देगी, इनके अगेंस्ट वोट करके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में पखंड और दोहरे चेहरे का जो असली नाम है वो है अरविंद केजरीवाल। इनका दिल्ली विकास मॉडल ये है कि अपना काम बनता नशे में जाए जनता। इनके जमीनी स्तर पर कार्य जो है वो है एकदम गुल, लेकिन पेपरों में एडवर्टाइजमेंट एकदम फुल। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मीडिया जो है वो कभी केजरीवाल जी से उनके वादों के बारे में क्यों प्रश्न नहीं करता। इन्होंने कहा था कि दिल्ली में हम 2 लाख टॉयलेट्स बनाएंगे, दिल्ली में हर 5 साल में 8 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन अभी आरटीए के माध्यम से पता चला है कि 5 लाख युवाओं को भी रोजगार नहीं दे पाएंगे। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को सोलर सिटी बनाएंगे, इन्होंने कहा था कि दिल्ली में हम किसानों की आय 3 गुना करेंगे, लेकिन किसान इनके घर के बाहर प्रदर्शन करते हैं कि उनकी आय 3 गुना तो दूर, उन्हें किसानों को किसानी का दर्जा तक नहीं दिया जा रहा। इन्होंने कहा था कि हम किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे, वो भी अपना वादा ये पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था कि दिल्ली में 37 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, वो भी अभी तक इनका वादा अधूरा है। इन्होंने जो सोलर सिटी का वादा किया था वो भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक, 125 पॉली क्लिनिक और 25 नए हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन ये अभी तक किसी 1-2 हॉस्पिटल का भी एड्रेस देने में अक्षम है। इन्होंने अभी तक किसी एक हॉस्पिटल का प्रॉपर एड्रेस नहीं बताया। हाँ, पेपरों पे इनकी एडवर्टाइजमेंट फुल है, पेपरों में एडवर्टाइजमेंट में तो इनको कई हॉस्पिटल बन गए, लेकिन असल में इनका एक भी हॉस्पिटल दिल्ली में नहीं बन पाया। इन्होंने जो मौलाना मौलवी कार्यों की सैलरी 80% बढ़ाई और हमारे पंडितों की नीलवटा सन्नाटा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या फिर किसी राज्य का भी सीएम, उनके लिए संविधान से बड़ा होता है, धर्म से बड़ा होता है संविधान। यदि किसी राज्य का सीएम किसी एक विशेष धर्म को अन्य धर्मों के प्रति अधिक महत्व देता है तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इनके घर के बाहर 22,000 दिल्ली के टीचर धरना दे रहे हैं कि उनका पक्का किया जाए, लेकिन मुझे तो उनके ऊपर ये भी हंसी आ रही है कि जिस केजरीवाल ने कई सालों तक 233 कश्मीरी पंडित टीचरों को पक्का करने के लिए कई सालों तक कोर्ट के जरिए मामला लटकाए रखा और सुप्रीम कोर्ट तक उनको ले गए, वो सिर्फ 233 मात्र टीचरों को पक्का करने के लिए इतना समय ले रहे हैं, तो वो 22,000 कंट्रेक्चुअल टीचर को पक्का कैसे कर सकते हैं। वो ये भूल जाए, जब नई सरकार बनेगी उसके बाद ही आंगनवाड़ियों की भी सैलरी बढ़ेगी, ये टीचर भी पक्का होंगे। मैं अभी ज्यादा समय ना लेते हुए, मेरा समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं दूसरे साथियों से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आके अपनी बात रखें। जय हिंद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
धन्यवाद। जो अपने कार्यकर्ता इस साइड में खड़े हैं, फोटो ले रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया कुर्सियों पर जाकर के अपना स्थान ग्रहण करें। इस अपने बीच में मंच पर डॉक्टर सेल के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र रोहिला जी, डॉक्टर अनिल गोयल जी, पूर्व विधायक सतप्रकाश जी, हमारे जिला के प्रभारी केशवपुरम के श्याम शर्मा जी, सहद्रा जिला के अध्यक्ष श्री राम किशोर शर्मा जी, और यहाँ की जो व्यवस्था करवाए हमारे कार्यालय मंत्री हुकम सिंह जी यहाँ उपस्थित है। ईडी ने छापा मारा था। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ आपको दिखाना चाहूंगा कि गांधीनगर से विधायक और यहाँ पर तमाम दिल्ली प्रदेश के जो श्रीमान अनिल वाजपेयी जी को आए और दो मिनट में अपनी बात रखे श्री अनिल जी। कार्यकर्ता भी मौजूद है मंच पर उपस्थित। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी विधायक माननीय श्री राजेश गुप्ता जी, नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली विधानसभा में हम सब विधायकों के साथ दिल्ली की आवाज को बुलंद करने वाले माननीय श्री रामवीर सिंह मिजूरी जी, अजय महावर जी, अभय वर्मा जी, हमारे सारे कुलजीत चहल जी, योगिता जी और सभी पदाधिकारीगण, आज हम एक ऐसे भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बात एक भ्रष्ट मंत्री की नहीं है अध्यक्ष जी, पूरी कैबिनेट ही भ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल कौन सा ईमानदार है? ईमानदार के नाम पर चुनाव जीत कराया 2015 में, और 2015 में चुनाव जीतने के बाद जो व्यक्ति ईमानदारी की बात कर रहा था, आप सभी लोग अखबार और टेलीविजन आप लोग देखते होंगे कि राज्यसभा के चुनाव में जिन लोगों ने पार्टी को संगठित करने का काम किया, कुमार भाई, योगेंद्र भाई ऐसे लोग, प्रशांत भूषण, शांति भूषण ऐसे लोग, आज उन लोगों को सबको दरकिनार करके दिल्ली में राज्यसभा की टिकटों का क्या हुआ और किस तरीके से टिकटों की सौदेबाजी हुई, ये आप सभी लोग जानते हैं। आज शराब के ठेके पूरी दिल्ली में खुल रहे हैं और उसका विभाग भाई सत्येंद्र जैन के पास ही पहले था। मैं पूछना चाहता हूँ सत्येंद्र जैन जी, रेडी बदर के साथ आपका क्या रिश्ता है? पोंटी चड्ढा के साथ आपका क्या रिश्ता है? और ये वो सत्येंद्र जैन है जो तिहाड़ जेल भी होकर आए, ये शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को जानकारी भी नहीं होगा। हम बता रहे हैं कि जब 13 में और 13 के बाद जब चुनाव हो रहा था तो यही सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल रह के आए थे और पटियाला हाउस की अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। और आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि सत्येंद्र जैन इस्तीफा दें, और लेकिन ये बड़े बेशर्म लोग हैं। ये अभी रास्ते में आ रहा था, प्रिया कंबोज जी मेरे साथ थी, करीब भाई साहब, मैंने कहा देखो ये इतने बेशर्म लोग हैं कि ये कहाँ इस्तीफा देने वाले हैं, ये तो ईमानदारी की बात करते हैं और बेमानों के सबसे बड़े सौदागर हैं ये, चाहे वो जल बोर्ड का सौदागर हो, किसी भी विभाग का हो दिल्ली सरकार का। और हम मांग करते हैं कि अगर सीबीआई सत्येंद्र जैन के खिलाफ अगर जांच कर ले तो वो दिन दूर नहीं कि सत्येंद्र जैन जी दिल्ली की तिहाड़ जेल की शिक्षकों के अंदर वहां पर खड़े होंगे। और मैं पार्टी के सभी नेताओं और अपने सभी साथियों से यही अपील करता हूँ, ये आंदोलन इतना आसान नहीं है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसकी सरकार के खिलाफ हमको ईंट से ईंट भिजानी पड़ेगी। मैं दो लाइन जरूर बोलूंगा कि अब सत्येंद्र जैन इस्तीफा दो, आप सब लोग अगर ईमानदारी से दिल के आए हैं कि उसका इस्तीफा मांगे तो अपने हाथ ऊपर करके कहिएगा, हम बोलेंगे सत्येंद्र जैन इस्तीफा दो, आप सब लोग कहेंगे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सत्येंद्र जैन इस्तीफा दो, सत्येंद्र जैन इस्तीफा दो, सत्येंद्र जैन इस्तीफा दो। फिर मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल, भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, आप लोग कहेंगे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल, भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल।
मैं बोलूंगा चोरों की सरकार, आप कहोगे इस्तीफा दो। चोरों की सरकार, चोरों की सरकार, बेईमानों की सरकार, सत्येंद्र जैन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद विधायक जी। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में रोहिणी से विधायक श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी उपस्थित थे। एक बार जोरदार ताली बजाकर का अभिनंदन करें। हमारे मयूर विहार जिला के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनोद बछेती जी, मुकेश सुजन जी, श्रीमान वीर सिंह पवार जी, नीमा भगत जी, सुनीता कांगड़ा जी, सुभाष जी, मैं इस कड़ी को आगे बढ़ा। इससे पहले जो कार्यकर्ता इधर खड़े होकर के सेल्फी ले रहे हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया कुर्सियों पर जाएं। बाई तरफ और दाई तरफ जो मंच के खड़े हैं, उनसे बार बार कहा जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आग्रह किया, फिर भी आप सभी मंच के पास खड़े हैं, आपसे नम्र निवेदन है कि जाकर के कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करता हूं अपने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री साथी कुलजीत सिंह चहल जी को कि आए और अपनी बात रखें। भाई कुलजीत सिंह चहल, साथियों एक बार दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ उठाकर, आगे वाले लोगों के हाथ थोड़ी फिक्स है भाई, शर्मा से हाथ उठाइए, दोनों मुट्ठी बांध के हाथ उठाइए। भारत माता की, वंदे वंदे। अभी तो ये लड़ाई है, उपस्थित इस धरने का नेतृत्व कर रहे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, एक बार जोरदार आदेश जी के लिए तालियां बजा दीजिए, जोरदार। अभिनंदन है इस कार्यक्रम का अच्छा संचालन और अच्छा नियोजन करने वाले पूर्वांचल के एक नेता हमारे दिनेश प्रताप जी का अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे विधायक अभय जी, अजय जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे सभी जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के साथी पदाधिकारी और सभी लोगों का एक बार जोरदार तालियों से इस आंदोलन में अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों मुझसे पूर्व वक्ता किस विषय पे बात कर रहे थे बताएंगे, किस विषय की आज बात कर रहे थे, जोर से जोर से जोर से जोर से, इसकी भ्रष्टाचार 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 की बात कर रहे थे। साथियों मुझे याद आता है अन्ना आंदोलन, जब केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली से भ्रष्टाचार देश से मुक्त होगा और कांग्रेस के प्रति एक विकल्प की सरकार आएगी। कहा था नहीं कहा था, कहा था नहीं कहा था। साथियों आज जिस तरह से माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे हैं, घोटालों में सरकार है या सरकार में घोटाला पता नहीं चलता। झूठों के सरदार कौन है आजकल, वो कौन है झूठों के सरकार, कौन है झूठों के सरकार, जोर से बोलिए कौन है झूठों के सरकार। साथियों मुझे एक शायर की दो पंक्ति याद आ रही है, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, क्या कहा, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, दिल्ली सरकार का फरमान है
सच बोलो, घोटाला किया है ना अभी, और इनके लोग जा जाके पूरे उसमें ढिंडोरा पीट रहे हैं। मनीष सिसोदिया गए हुए हैं आजकल गुजरात घूम रहे हैं, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, दिल्ली सरकार का फरमान है सच बोलो, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। और इनके आम आदमी पार्टी जो दलालों की और झूठों की पार्टी है, उसके गेट पे लिखा है सच बोलो। ये आम आदमी पार्टी है साथियों। साथियों, मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूं, आप बताइए। इनके घोटाले गिनाता हूं। मेरे पूर्व से वक्ता बिस्सी बोल रहे थे, सबसे बड़ा सिकंदर जैन, अगर मैं इस मंच से केजरीवाल को चैलेंज करता हूं, मेरी बात झूठ हो तो केस कर दे कि आपका दलाल सत्येंद्र जैन है या नहीं, केजरीवाल आपको चैलेंज करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड की ठेकों की उकाई, किसी गरीब को पानी मिले ना मिले, सीवर के कनेक्शन लगे ना लगे, पर उस टेंडर की दलाली का पैसा किसके पास जाता है, किसके पास जाता है? जल बोर्ड का घोटाला केजरीवाल के पास दलाली, पीडब्ल्यूडी का घोटाला, स्कूल का घोटाला, रोड बनाने का घोटाला, बच्चों की शिक्षा का घोटाला। और साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन कर रही है, शराब अमित जी, जब मैं बात कर रहा था कि उस गरीब की किसान की जमीन अरविंद केजरीवाल ने हड़प ली, या तो हड़पी थी रामवीर जी कांग्रेस के दामाद ने, या हड़पी है केजरीवाल के दलाल ने, ये डर दिखा के हड़पी कि तुम्हारी जमीन एक्वायर हो जाएगी। इस बस पे और सामने सैकड़ों की हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, क्योंकि इनके पास शहरी विकास मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, रामवीर जी बता रहे थे कि जब इसको हड़पा गया कि एक्वायर होगी तो 50 लाख के आसपास इसको लिया गया, और आज इसकी कीमत साथियों पता है कितनी है? कई सौ एकड़ जमीन ले रखी है इन्होंने, कई सौ एकड़ जमीन, और माननीय अध्यक्ष जी उसकी कीमत है किसी की एक एकड़ की 10 करोड़ 15 करोड़, कई हजार करोड़ का घोटाला किया है। तो किसकी की जमीन हड़पी इन्होंने, जोर से किसकी हड़पी? तो साथियों, इस केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता का चैलेंज है। रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति याद आती है, उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, ये जनता आती है, जनता आती है। धन्यवाद साथियों। हमारे बीच में धन्यवाद कुलजीत जी, हमारे बीच में मंचासीन श्रीमती साहिन सैनी जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती नीलम धीमान जी, योगी राम जैन जी, कर्नल ओबराय जी, और पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा जी, एक बार सभी जोरदार नारा लगाएंगे। और इधर जो कार्यकर्ता खड़े हैं, कृपया कुर्सियों पर जाकर के बैठे। भारत माता के, भारत माता के, मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता और विधानसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष है, ऐसे श्रीमान रामवीर सिंह बिधुड़े जी को कि अपना उद्बोधन रखे। इसके पहले एक बार आप सभी जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता के, भारत के जनता पार्टी।
माननीय रामवीर। मैं तो बस एक मिनट आपका लूंगा। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, आसाम के सह प्रभारी आदरणीय श्री पवन शर्मा जी, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आदरणीय श्री आशीष सूद जी, विधायक श्री मोहन सिंह बिस्ट जी, अजय महावर जी, अनिल वाजपेयी जी, अभय वर्मा जी, दिल्ली प्रदेश के सम्मानित महामंत्री आदरणीय श्री कुलजीत चहल जी, दूसरे महामंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, मेयर साउथ दिल्ली मंच पर बैठे हुए सभी जिलों के सम्मानित अध्यक्षगण, पार्टी के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, मैं एक ही बात कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी को सुनना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल, आज हम जंतर मंतर पर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता की लीडरशिप में हजारों कार्यकर्ता आपसे ये मांग करने के लिए आए हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। आप बर्खास्त करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनके ऊपर जो आरोप है, आरोप नहीं है बल्कि सीबीआई ने उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है और उसके बाद जो ईडी ने जांच पड़ताल की है, मैं आज इस मंच से अपनी बात कहकर बैठ जाऊंगा, सत्येंद्र जैन की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होगी और एक साल से पहले उनकी कोर्ट से जमानत मंजूर नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही यशस्वी ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी उपस्थित हैं। मैं इनको आमंत्रित करूं कि अपना विषय रखें। इससे पहले एक बार आप ऐसी ताली बजाएं ताकि केजरीवाल को भी लगे कि हर हालत में मुझे सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करना ही पड़ेगा। एक बार यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी को, जो हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, हमारे बीच में है और अपनी बात रखे आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित भाई पवन शर्मा जी,
पार्टी की विरोध में भाई कुलजीत कहल जी मंच का संचालन कर रहे दिनेश प्रताप सिंह जी, भाई अजय महावर जी, अभय वर्मा जी, हमारे अनिल वाजपेयी जी, हमारे वरिष्ठ विधायक उपनेता मोहन सिंह बिष्ट जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य पूर्व विधायकगण, निगम पार्षदगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं और ये मामला कोई एक दिन में इस परिस्थिति में नहीं आया है। अभी तो ये मामला पूरी जांच पड़ताल करने के बाद और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के सबसे निकटतम अगर आम आदमी पार्टी में कोई व्यक्ति केजरीवाल जी का सबसे नजदीकी है व्यक्तिगत तो वो है सत्येंद्र जैन। मैं आपको बताना चाहता हूं सत्येंद्र जैन की स्थिति सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के वित्तीय और केजरीवाल जी से जुड़े हुए व्यक्तिगत वित्तीय मामलों के पूरा हिसाब रखने वाले व्यक्ति हैं। वो एक तरह से जो भी काला धन है, जो भी काले कारनामे हैं, जो भी पार्टी के लिए उगाही करने का विषय है वो सब सत्येंद्र जैन करते हैं। सत्येंद्र जैन अगर माने तो केजरीवाल जी के किचन कैबिनेट भी है और उनके व्यक्तिगत किचन तक के साथी भी है। अगर मैं ये कहूं कि वो उनके रिश्तेदारी में भी आते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। वो रिश्तेदार तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन उससे कम भी नहीं। उनका एक मामला जो भ्रष्टाचार से युक्त है, प्रमाणित है और जिस पर निश्चित रूप से सत्येंद्र जैन को सजा होने वाली है। शेल कंपनी बनाना, हवाला का धंधा करना और छोटा मोटा नहीं, कम से कम 700-800 करोड़ का गोलमाल है ये व्यक्तिगत संपत्तियों का आकलन करेंगे तो जो जमीनें इन्होंने खरीदी बेची और सारा हवाला किया और सरकारी पद का दुरुपयोग करा तो ये 1000 करोड़ रुपए तक भी जाएगा। जो लोग आम आदमी होने की बात कर रहे थे आज वो इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है और केजरीवाल जी चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। उनके एक मंत्री जिनके ऊपर आरोप है उन्होंने डीटीसी की बसों की खरीद में भ्रष्टाचार किया, 5000 करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला है, उनके मामले में चुप है और एक एक
मंत्री का चिट्ठा यहाँ खोलने लगे तो साथियों किसी भी मंत्री का 1500 करोड़ से कम का मामला प्रकाश में निश्चित रूप से आ जाएगा। आज हम यहां से इस बात का संकल्प लें कि जो ये मामला है भ्रष्टाचार का बड़ा मामला, इस पर हम दिल्ली की सरकार से मांग करते, केजरीवाल जी से मांग करते कि आप तुरंत दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाइए, इस पर श्वेत पत्र सरकार जारी करे, क्योंकि मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, संदिग्ध आरोप सिद्ध हुए हैं। श्वेत पत्र जारी करे, दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाए और केजरीवाल जी मुंह खोलो, हर बात पे बहुत बोलते हो, बड़बड़ करते हो, झूठ बोलते हो, इस पर झूठ बोलो सच बोलो, लेकिन लोग जानना चाहते हैं आपके मंत्री के खिलाफ संगीन मामला सामने आया। एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं यही कहूंगा कि ये मामला गंभीर है, बड़ा है और इसको सिरे तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। धन्यवाद। भारत माता के पीछे कार्यकर्ता खड़ा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल शरम करो, केजरीवाल शरम करो, सतेंद्र जैन को बर्खास्त करो। मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी को कि यहां उपस्थित अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। अध्यक्ष जी, संबोधित करने के लिए जब तक इस माइक के पास आए तब तक आप जोरदार ताली बजा करके एक बार अभिनंदन करें और तालियां बजती रहनी चाहिए। अगर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सत्येंद्र जैन को बर्खास्त किया जाए, आज तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के भ्रष्टाचारी मंत्री के खिलाफ जंतर मंतर जैसी ऐतिहासिक जगह पर यहाँ हम लोग धरना दे रहे हैं और इस धरना आंदोलन के अंदर हमारे दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह गिदूड़ी जी उपस्थित हैं, पूर्व अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी हैं, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई कुलजीत सिंह चहल जी, भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री पवन शर्मा जी, वरिष्ठ नेता श्री आशीष सूद जी और विधायक श्री अजय महावर जी, अभय वर्मा जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, अनिल वाजपेयी जी, पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा योगता सिंह जी, हमारी बहन कमल जी सहरावत जी, नीमा भगत जी, पार्टी के हमारे
बहुत ही जुझारू जिलों के अध्यक्ष हैं मंच पर, या हमारी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और सब कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। दोस्तों, आज हमारे इस आंदोलन का एक बहुत विशेष महत्व है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत दिनों से दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज एक निर्णायक मोड़ पर हमारी लड़ाई पहुंची है। ये मामला कोई आज का नहीं है। आपको ध्यान होगा, पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री बौखला गए थे, घबराहट आ गई। घबराहट में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली के मंत्री को ईडी गिरफ्तार करने वाली। दोस्तों, साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मुख्यमंत्री को इस तरह हड़बड़ी में आकर कहना कि हमारे मंत्री को ईडी गिरफ्तार करने वाली है, ये कोई अनजाने में अनायास नहीं कहा। ये उन्हें पूरी पुख्ता जानकारी थी कि हमारे मंत्री ने क्या क्या कुकर्म किए हैं और क्या क्या बेईमानी की है, क्योंकि उस बेईमानी और कुकर्मों के साझीदार और संरक्षणकर्ता वो खुद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसलिए उन्हें सारी बातें पता थी। उन्होंने सोचा कहीं दुनिया भर में बोल रहे हो, पंजाब सरकार को बने हुए अभी 11 दिन हुए थे, बोले 11 दिन में ईमानदार पंजाब सरकार हो गई है। दिल्ली के अंदर हमने बहुत ईमानदारी दिखाई है, कट्टर ईमानदार सरकार और उनके कट्टर दोस्त और चहेते सत्येंद्र जैन के काले कारनामे। अब जब पोल खुल गई है तो चुप क्यों है केजरीवाल जी? अरे बोलिए, बोलिए कि 4,81,00,000 की जो जमीन है वो हमारी नहीं है, जो सरकार ने जब्त की है वो हमारी नहीं है, सत्येंद्र जैन की नहीं है। सत्येंद्र जैन के द्वारा लिए गए करोड़ों रुपए हवाला कारोबारियों से वो हमारे नहीं है। उनके द्वारा बनाई गई फर्जी कंपनियां जिनके माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है वो उसमें हम शामिल नहीं है। आइए सामने आइए, आप तो क्रांतिकारी हैं, आप तो स्वराज की बात करते हैं, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करते हुए राजनीति में आए हैं, तो आइए आप बताइए क्यों नहीं जाकर आप गुजरात कह रहे कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और हमारे एक बहुत खास दोस्त जो भ्रष्टाचारी है, जिनको ईडी के अंदर जिनकी 5 करोड़ की जमीन जब्त हो गई है, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीनें दिल्ली में खरीदी है, मैंने अपने उस चहेते मंत्री को भी बर्खास्त कर दिया। अरे शाबाशी तो तब होती मुख्यमंत्री जी आपकी ईमानदारी की, जो आप कट्टर ईमानदार होने की कसमें खाते हैं, जनता तो तब जानती जब आप कहते कि हमारे चाहे कोई सगा हो, चाहे संबंधी हो, चाहे हमारा खास हो, अगर वो भ्रष्टाचार करेगा तो हमको हमें तनिक भी देर नहीं लगेगी, हम उसको बर्खास्त कर देंगे। आप हिमाचल भी जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, बोलिए ना वहां ये भी बोलिए कि हमने अपने बहुत खास चहेते, आपको शायद कारनामों के बारे में पता नहीं होगा, इन्होंने सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबारियों से संबंध खुद हवाला कारोबारियों ने जानकारी दी है। मैं आपको नाम भी बताना चाहता हूँ, 3 हवाला कारोबारी, जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चौखानी,
और राजेंद्र बंसल, उन्होंने कहा कि लगातार पिछले 7-8 सालों से जब सत्येंद्र जैन मंत्री भी नहीं बने थे, तब से लगातार वो हवाला का कारोबार कारोबारियों से लेन देन करते थे और शेल कंपनी बनाकर, फर्जी कंपनी बनाकर जो इनकी इनके रिश्तेदारों की है, उनसे पैसा उन कंपनियों में ट्रांसफर होता था। 16,38,00,000 रुपए हवाला के माध्यम से इन फर्जी कंपनियों में इंडो मेटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इन कंपनियों के संबंध सत्येंद्र जैन से हुए हैं, ये खुलासा हो गया है, ये सबूत में आ गया है। दिल्ली के अंदर, बाहरी दिल्ली के इलाके में 124 बीघा जमीन खरीदी और उसके बाद बात यहीं तक नहीं रुकी। फिर उसके बाद 27.69 करोड़ रुपए से 200 बीघा जमीन इन्होंने कराला में, ओचंदी में, निजामपुर, बुद्ध नगर, उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली के तमाम इलाकों में खरीदी। आपको पता है ये जमीन इन्होंने वहां क्यों खरीदी? मैं और भी बताना चाहता हूं, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से 4,49,00,000 की, इंडो मेटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 6,90,00,000 रुपए की, जेजे आई पास पैसा है जिसको हवाला के माध्यम से इन्होंने अपनी शेल कंपनी में ट्रांसफर करवाया और यहाँ जमीन खरीदी, इसका कारण क्या है? इसका का संयम है कोतवाल तो हमें डर का आएगा। अरे मुख्यमंत्री जी का सेंटर है, उनका वरद हस्त है कि सत्येंद्र जैन जी आप जो कुछ करो अच्छा है, क्योंकि आप सारा नंबर दो का हमारा माल एकदम वाइट वाइट करते हो, इसीलिए हमारे सबसे ज्यादा। मुझे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता मिले, बड़े अच्छे लेवल पर काम करते थे, पहले उनके उनके पदाधिकारी भी रहे हैं, बोले कि मुख्यमंत्री जी मैं बड़ी ईमानदारी से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था, लेकिन एक दिन मुझे केजरीवाल जी के बहुत खास ये सत्येंद्र जैन आते बाहर करते मीडिया में, लेकिन अगर आप पैसे कमा के या पैसे कमाने का कोई रास्ता हमें नहीं बताओगे तो आपको आम आदमी पार्टी में ज्यादा दिन जगह नहीं मिलेगी, ज्यादा दिन आपको जगह नहीं मिलेगी। आपको अगर टिकट लेना है तो पैसा देना पड़ेगा, अगर आपको आम आदमी पार्टी में पद लेना है तो पैसा देना पड़ेगा, अगर आम आदमी पार्टी में आपको कोई बोर्ड का मेंबर बनना है तो पैसा देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी में अभी जो निगम के चुनाव होने थे, पता नहीं कितने लोगों से इन्होंने बयाने पकड़ रखे थे, क्योंकि उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। तो ये आम आदमी पार्टी का असली चेहरा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता कह रहे थे, वो नेता कह रहे थे जो खुद आम आदमी पार्टी में थे, तो उन्हें एकदम से
एकदम से किसी व्यक्ति को अगर कोई ईमानदार या कोई बात सोच कर जाए और उसका बिल्कुल विपरीत हो जाए तो उसको निश्चित रूप से बहुत चोट पहुंची, और चोट पहुंचने के बाद उन्होंने ये बात हमसे भी कही और कई लोगों से कही। इसलिए मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो ईमानदारी का नकाब ओढ़कर काम करने वाली सरकार का असली चेहरा है कि वो दिल्ली के अंदर किस तरह भ्रष्टाचार करते हैं। और मैं जमीनों की बात कर रहा था तो सैयाब है कोतवाल तो हमें डर का आएगा, अरे जमीन कहाँ खरीदनी है किसे पता होगा, सबसे अच्छा जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो पता रखते हैं कि कहाँ से सड़क निकलने वाली है और कहाँ से हाईवे निकलेगा और कहाँ की सड़क पक्की हो जाएगी, किस कच्ची कॉलोनी में दिल्ली पर क्या नाम है, जल बोर्ड किसका है, किसका है जल बोर्ड, जोर से बोले जल बोर्ड किसका है, पीडब्ल्यूडी किसकी है, और सत्येंद्र जैन जिस यूडी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है वो किसका है, तो सब कुछ तो उन्हें पता है। यहाँ से सड़क निकलेगी, एक साल छह महीने बाद सड़क निकालेंगे, पहले सस्ती जमीन उसी नंबर दो के पैसे से जो हवाला से आया है सत्येंद्र जैन की कंपनी जिसमें पार्टनरशिप की देंगे और वो जमीन पे फिर पास में सड़क बना देंगे, उन्हें पता होगा, या जल बोर्ड की लाइन डाल देंगे, तो ये कारोबार चल रहा है भाई। जिस पीडब्ल्यूडी का काम जनता की सहूलियत के लिए सड़क बनाना, जिस यूडी मिनिस्ट्री का काम, जिस जल बोर्ड का काम पानी की लाइन उन जगह डालना जहां जरूरत है, वो डाल कहां रहे हैं, सत्येंद्र जैन ने जहां जमीनें खरीदी हैं हजारों करोड़ रुपए की वहां डाल रहे हैं। अभी सही कहा है हमारे नेता विपक्ष ने श्रीमान विधूड़ी जी ने कि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये आंकड़ों के हिसाब से तो हमारे पास तो 100-125 करोड़ रुपए का आंकड़ा होगा, लेकिन ये 1000 करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला है, और ये धंधा आम आदमी पार्टी में आम है, आम आदमी पार्टी है और बेईमानी का धंधा भी आम है, ये आम आदमी के नहीं है, ये बेईमानी के धंधा आम है, यही आम आदमी पार्टी है दोस्तों साथियों, इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा। कोई पहला घोटाला नहीं है। देखिए कभी जब कोई मजबूत किसको जन समर्थन मिला हो उसके ऊपर आप आरोप लगाओगे तो जल्दी सिद्ध नहीं होगा, लेकिन जब हमने इस प्रकार से आंदोलन किए तभी सब लोग पूछ रहे थे कि सीएजी जैसी संस्था को 22 पत्र लिखने पड़े 60,000 करोड़ रुपए के जवाब के लिए कि भाई 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा बता दो। कोई भी आदमी 2-4 लाख खर्चा करता है उसका भी हिसाब रखता है कि भाई ये हिसाब हुआ, ये आय है, ये व्यय है, आप तो 60,000 करोड़ रुपए का भी हिसाब नहीं देना चाहते हो। आपने डीटीसी बस खरीद पहले की नहीं और जब किया तो उसमें घोटाला किया, आपने पीडब्ल्यूडी घोटाला किया, ड्यूसुप के अंदर घोटाला किया, कोरोना के दौरान जितने काम किए दवाई खरीद से लेकर सब कामों में घोटाला किया, तो आप तो ईमानदारी की कसमें खाते थे, आप तो ये कहते थे कि हमसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है। ये जो ईमानदारी की कसमें खाने वाले लोग आज पर्दाफाश हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं दोस्तों साथियों। ये सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी सिर्फ सत्येंद्र जैन व्यक्ति नहीं, सत्येंद्र जैन उस भ्रष्टाचार का पर्याय है जिसको संरक्षण देने का काम दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री केजरीवाल कर रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी तक आज ये धरना आंदोलन से ये ऐलान है कि उनकी गिरफ्तारी तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और मैं इस मंच से केजरीवाल जी को भी चुनौती देता हूं कि आइए दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के अंदर आप कहीं भी जाएंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का देशभक्त और ईमानदार कार्यकर्ता तुम्हारे सामने काले झंडे लेकर खड़ा होगा, और जब तक आप बर्खास्त नहीं कर देते।
जब तक भ्रष्टाचारी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भ्रष्टाचारी मंत्री की बर्खास्तगी तक ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जारी रखेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बात आखिरी में कहना चाहता हूं कि झूठ बोलने वाले के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, बहुत जो लोग रामायण पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि झूठे ही लेना झूठे ही देना और झूठे ही भोजन झूठ चबेना। जो लोग झूठ पर आधारित हैं वो झूठ मूठ का लेन देन करते हैं, वो झूठी बातें फैलाते हैं और समाज के अंदर भ्रम फैलाते हैं, उनके नकाब भी जल्दी उतरते हैं। और आज आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल का नकाब उतरा है और इस नकाब को भ्रष्टाचारी मंत्री के बर्खास्तगी तक और उनके जेल पहुंचाने तक जारी रहेगा ये आंदोलन। दोस्तों साथियों ऐलान करना चाहता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करो, भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करो।